खुशियों का जाम हो जाए, लेके बप्पा का नाम कुछ अच्छा काम हो जाए, खुशियां बांट के हर जगह आज का दिन बप्पा के नाम हो जाए। तो चलिए बप्पा का नाम लेकर शुरुआत करते हैं आला रे गणपति आला के नेक्स्ट एपिसोड की। नमस्कार, मैं हूँ पूजा शेंडे और आप देख रहे हैं News 29 इंडिया का आला रे गणपति आला का ये एपिसोड। क्या आपने कभी सोचा है कि गणेश जी का उत्सव 10 दिन तक क्यों मनाया जाता है? आखिर क्यों चतुर्दशी के दिन गणेश जी को जल में विसर्जित किया जाता है? आइए आपको बताते हैं इसके पीछे क्या है एक रोचक कथा। इतिहासकारों के अनुसार सबसे पहले गणेश चतुर्थी उत्सव सातवाहन, राष्ट्रकूट और चालुक्य के शासनकाल में मनाई जाती थी। ऐतिहासिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि गणेश चतुर्थी उत्सव महाराष्ट्र में महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा संस्कृति और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। गणेश उत्सव श्री बाल गंगाधर तिलक ने आज से 100 बरस पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों को एकजुट करने के लिए आयोजित किया था, जो कि धीरे धीरे पूरे राष्ट्र में मनाया जाने लगा। 1893 के आसपास जब तिलक ने गणेश उत्सव को एक सामाजिक और धार्मिक कार्य के रूप में व्यवस्थित करना शुरू किया, उन्होंने मंडप में गणेश की मूर्ति को स्थापित करने और 10वें दिन विसर्जन की परंपरा शुरुआत की। इसका उद्देश्य सभी समुदायों के लोगों को एकजुट करना था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्री वेद व्यास ने गणेश चतुर्थी से महाभारत कथा श्री गणेश को लगातार 10 दिन तक सुनाई थी, जिसे श्री गणेश जी ने अक्षरशः लिखा था। 10 दिन बाद जब वेद व्यास जी ने आंखें खोली तो पाया कि 10 दिन की अथक मेहनत के बाद गणेश जी का तापमान बहुत अधिक हो गया है। तुरंत वेद व्यास जी ने गणेश जी को निकट के कुंड में ले जाकर ठंडा किया था, इसलिए गणेश स्थापना कर चतुर्दशी को उनको शीतल किया जाता है। तो ये थी कथा गणेश जी को क्यों 10 दिन तक स्थापित किया जाता है। अब आपको ले चलते हैं गणेश जी के एक और सिद्ध मंदिर के दर्शन कराने। जी हाँ, तीन रूप में दर्शन देते हैं भगवान गणेश, भगवान राम और लक्ष्मण ने की थी जहां सबसे पहले पूजा। जी हां, हम बात कर रहे हैं चिंता का हरण करने वाले चिंतामन गणेश, इच्छा पूरी करने वाले इच्छामन और सिद्धि देने वाले सिद्धि विनायक के साथ भक्तों की हर चिंता दूर करते हैं गणेश। उज्जैन के चिंतामन गणेश, जहां उल्टा स्वास्तिक बनाकर मांगी जाती है मुरादे, रक्षा सूत्र बांधकर होती है मनोकामना पूर्ण, जहाँ लगा रहता है मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता। देखिए उज्जैन से हमारे संवाददाता राहुल यादव की एक खास रिपोर्ट। बता दें उज्जैन से करीब 6 किलोमीटर दूर भगवान श्री गणेश के तीन रूप एक साथ विराजमान हैं, जो चिंतामन गणेश, इच्छामन गणेश और सिद्धि विनायक के रूप में जाने जाते हैं। ये अपने भक्तों को अपने एक अलग ही अनोखे स्वरूप में दर्शन देते हैं, क्योंकि ये स्वयंभू है। यहाँ पर भक्त गणेश जी के दर्शन कर मंदिर के पीछे उल्टा स्वास्तिक बनाकर मनोकामनाएं मांगते हैं, और जब उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है तो वह वापस दर्शन करने आते हैं और मंदिर के पीछे सीधा स्वास्तिक बनाते हैं। कई भक्त यहाँ रक्षा सूत्र बांधते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर रक्षा सूत्र छोड़ने आते हैं। श्री चिंताहरण गणेश जी की ऐसी अद्भुत और अलौकिक प्रतिमा देश में शायद ही कहीं होगी। यहाँ इनका सिर्फ हाथी की सूंड वाले मस्तक ही है और आसपास भक्त की इच्छा पूर्ण करने वाले इच्छामण, सिद्धि देने वाले सिद्धि विनायक के साथ सारी चिंता को दूर करने वाले चिंतामन गणेश जी भी विराजमान है। इनका श्रृंगार सिंदूर से किया जाता है। श्रृंगार से पहले दूध और जल से इनका अभिषेक किया जाता है और विशेष रूप से मोदक एवं मोतीचूर के लड्डू का भोग इन्हें अत्यंत प्रिय है। यहाँ पर बुधवार के दिन भक्तों को विशेष रूप से तांता लगा रहता है। इनको 3 पत्तों वाली दूब विशेषकर भक्तों द्वारा चढ़ाई जाती है। उज्जैन के मारवाड़ क्षेत्र में सैकड़ों वर्षों से परंपरा चली आ रही है कि जो भी कोई शादी करता है तो उसके परिजन लग्न यहाँ लिखवाने आते हैं और शादी के बाद पति पत्नी दोनों ही यहाँ आकर दर्शन करते हैं और वो लग्न यहाँ चिंतामन जी के चरणों में छोड़ कर जाते हैं। दोनों पति पत्नी चिंतामन गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारी सारी चिंताओं को दूर कर हमें सुखी जीवन प्रदान करें। चिंतामणि गणेश चिंताओं को दूर करते हैं, इच्छामणि गणेश इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और सिद्धि विनायक रिद्धि सिद्धि देते हैं। इसी वजह से दूर दूर से भक्त यहाँ खिंचे चले आते हैं। स्वयंभू स्थली के नाम से विख्यात चिंतामन गणपति की स्थापना के बारे में कई कहानियां प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि राजा दशरथ के उज्जैन में पिंडदान के दौरान भगवान श्री रामचंद्र जी ने यहां आकर पूजा अर्चना की थी। सतयुग में राम, लक्ष्मण और सीता माँ वनवास पर थे, तब वे घूमते घूमते यहां पर आए। तब सीता माँ को बहुत प्यास लगी। लक्ष्मण जी ने अपने
तीर इस स्थान पर मारा जिससे पृथ्वी में पानी निकलने लगा और यहाँ एक बावड़ी बन गई। माता सीता ने इसी जल से अपना उपवास खोला था। तभी भगवान राम ने चिंतामण, लक्ष्मण ने इच्छामण एवं सिद्धि विनायक की पूजा अर्चना की थी। मंदिर के सामने आज भी वह बावड़ी मौजूद है जहाँ पर दर्शनार्थी दर्शन करते हैं। इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप महारानी अहिल्याबाई द्वारा करीब 250 वर्ष पूर्व बनाया गया था। इससे भी पूर्व परमार काल में भी इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो चुका है। यह मंदिर जिन खंभों पर टिका हुआ है वह परमार कालीन है। तो जरूर दर्शन कीजिए इस प्राचीन मंदिर के और दर्शन लाभ लीजिए गणपति बप्पा के। अब बारी है आज के खास उपाय की जिसे आप अपना कर गणेश जी को प्रसन्न कर सकते हैं। आप इन 10 दिनों में गणेश जी के हर रोज सुबह शाम गणेश आरती और गणेश चालीसा का जाप करें। गणेश जी को आस्था विश्वास से पूजें, उन्हें सिंदूर मोदक दुर्वा चढ़ाएं। भगवान गणेश आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। गणेश जी की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है। जो भी जाता है गणेश जी के द्वार कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। जी हाँ, गणेश जी का दरबार ऐसा ही है जहाँ कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है, हर किसी की मुरादें पूरी होती है। तो जपते रहिए ओम गणपते नमः। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत, कल फिर हाजिर होंगी। गणपति बप्पा मोरिया।